हेलो स्टूडेंट्स प्रोजेक्टाइल मोशन में रेंज हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चली गई डिस्टेंस को बोलते हैं रेंज इज द डिस्टेंस टेवल्ड बाय द प्रोजेक्टाइल इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन तो जब हम ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन की बात करते हैं तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जितना उसने टाइम ऑफ फ्लाइट की ड्यूरेशन में ग्राउंड से ग्राउंड तक आने में ग्राउंड से चल के ग्राउंड तक आने में उस टाइम इंटरवल में जितनी उसने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो डिस्टेंस चली होती वो है वो रेंज है

तो रेंज बन जाएगा यू स्क्वायर साइन टू थीटा पॉन्जी अब देखिये साइन का जो ग्राफ होता है वो होता कैसा है साइन का ग्राफ कुछ ऐसा होता है आपका पहले इंक्रीज करता है फिर डिक्रीज करता है अब थीटा रखने पे साइन टू थीटा का ग्राफ बनेगा तो देखिए हम लोगों का जो प्रोजेक्टाइल है वो जीरो से नाइन्टी डिग्री तक फेंका जा सकता है जीरो हजेंटल होगा और नाइंटी वर्टिकल होगा तो अगर हम जीरो से नाइंटी तक ले जाए यहाँ पे देखिए हम थीटा रख रहे हैं ये थीटा है और हम थीटा रख रहे हैं तो ग्राफ किसका बना रहे हैं साइन टू थीटा का क्योंकि तो जब हम जीरो रखेंगे तो साइन जीरो ही आएगा और साइन जीरो की वैल्यू कितनी होती है जीरो और जब हम 90 रखेंगे तो थीटा आएगा वन एट टू थीटा आएगा वन और साइन वन भी जीरो होता है तो एक्चुअली क्या है कि जीरो पे भी रेंज जीरो नाइनटी पे भी रेंज जीरो है और रेंज मैक्सिमम कहा होगी तो रेंज मैक्सिमम होगी यहां पे यहाँ पे जब साइन टू थीटा की मैक्सिमम वैल्यू साइन की मैक्सिमम वैल्यू वन होती है साइन टू थीटा की मैक्सिमम वैल्यू वन पे आएगी साइन टू थीटा वन कब होगा जब टू थीटा नाइनटी होगा और टू थीटा को नाइनटी होने के लिए थीटा जो हम यहाँ एक्सरसाइज पे बना रहे हैं वो फोटी डिग्री होना चाहिए अच्छा दूसरी चीज ये समझ में आ रही है कि सिमिलरिटी है जीरो से फोर्टी फाइव रेंज की जो वैल्यूज है वही फोर्टी फाइव से नाइनटी है इनफेक्ट आप देखो फोर्टी फाइव से जितना पीछे जाओगे उतना ही फोर्टी फाइव से आगे जाओ तो रेंज की वैल्यू सेम आ रही है फोर्टी तो फाइव से नीचे फोर्टी फाइव से ऊपर फोर्टी फाइव माइनस थीटा फोर्टी फाइव प्लस थीटा फोर्टी फाइव से जैसे मान लीजिए आप डिग्री नीचे आओ तो थर्टी और पंद्रह डिग्री ऊपर आओ तो डिग्री तो थर्ट और थर्टी और, और, तो और एक नाइन माइनस दोनों का सम नाइन्टी या एक फोर्ट माइनस थीटा और एक फोर्टी फाइव प्लस थीटा हो तो भी सम नाइन्टी तो उनपे रेंज सेम होती है और मैंने बताया मैक्सिमम रेंज कहाँ पे होती है फोर्टी फाइव पे होती है और फोर्टी फाइव के नीचे फोर्टी फाइव से ऊपर रेंज की सिमेट्री आती है आप मैथमेटिकली भी देख लो सेम मैंने ये ग्राफ जब क्लास में बता रहा था तब भी बताया था मैक्सिमम रेंज होता है बाकी रेंज निकालोगे पहुंची नाइनस थीटा पे रेंज निकालोगे, sin G. पे रेंज निकालोगे तो यू स्क् साइन टू ऑफ नाइन थीटा डबल डबल से मल्टीप्लाई कर दो साइनस टू तो और साइन एट्टी थीटा थीटा ही होता है। यहाँ पे और नाइंटी माइनस थीटा पे रेंज सेम होती है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होती है कॉम्प्लीमेंट्री पेयर थर्टी सिक्सटी है ना ट्वेंटी फाइव सिक्सटी फाइव फोर्टी फिफ्टी ट्वेंटी सेवेंटी तो इन पे रेंज क्या होती है सेम तो अगर आपको कोई क्वेश्चन ऐसा मिलिया के मॉड्यूल्स में ऐसे हैं कि रेजोनेंस में भी होंगे सारे कोचिंग्स प्रोजेक्टाइल को फेंका गया दो एंगल पे रेंज सेम है तो पक्की बात है वन तभी होगा जब एक थीटा है, थीटा। तो पूछते हैं एच वन अपॉन एच टू मैक्सो वाइट और टी वन अपॉन टी टू का रेसो बताओ अगर एक एंगल थीटा है तो आप क्या करो एच एच क्या होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन टू जी तो आपने एच वन में लिखा होगा साइन स्क्वायर थीटा

कैसे रेंज सिमेट्रिकल होती है फोर्टी फाइव से ऊपर फोर्टी फाइव माइनस फाइव प्लस या थीटा नाइन थीटा, माइनस रेंज की सिमेट्री और इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करते हैं अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो जरूर इसको लाइक करिएगा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा इस टाइप के हम लोग वीडियो सीरीज में डालते रहेंगे और फिजिक्स के साथ साथ हम और भी चीजें करेंगे